अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मान जकीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन जनरल ग्रेड्स का बताता हूँ कि ग्रेड्स का मतलब क्या है और इसको आपने किस तरह से देखना है। तो ये मेरे पास 0W20 ऑयल है। 0W20 इसका मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब है कि जब ये ऑयल ठंडा होता है, इंजन में पड़ा होता है और इंजन ठंडा होता है, स्टार्ट नहीं होता, तो उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होगी, थिकनेस उसकी ज़ीरो होगी। और ये जो डब्ल्यू का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब है विंटर। तो जब इंजन ठंडा होगा, उसकी ऑयल की विस्कोसिटी ज़ीरो होगी, मतलब ये ऑयल पानी की तरह होगा। और ये जो 20 का मतलब है, 20 का मतलब है कि जब इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा, ऑयल गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद ऑयल की थिकनेस 20 हो जाएगी। ये मल्टी ग्रेड ऑयल है। तो जब इंजन ठंडा होता है, ये ऑयल पतला होता है, और जब इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है, ये ऑयल गर्म हो जाता है, उस वक्त ये ऑयल मोटा हो जाता है। मल्टी ग्रेड ऑयल इसी तरह ही काम करते हैं। इसके बाद 0W20 के बाद जो ऑयल आता है वो 530 आता है, 520 आता है। 520 मेरे पास अभी पड़ा नहीं था, तो मैं आपको डायरेक्ट 530 का बता देता हूँ। 530 का भी सेम है। 5 का मतलब है कि इसकी जो ये ऑयल रूम टेम्परेचर पे ठंडा है, तो इसकी जो विस्कोसिटी है अभी वो 5 है। 0W20 जो है, उसकी विस्कोसिटी जब वो ठंडा होता है तो वो पानी की तरह होता है। आप डब्बा हिलाएंगे तो आपको इस तरह लगेगा कि वो पानी है उसमें। इसका भी सेम है, W विंटर 5, इसकी अभी विस्कोसिटी है, ये ऑयल डब्बे में है। और अगर इंजन में है तो इंजन ठंडा होगा तो इसकी विस्कोसिटी होगी। और ये जो 30 है, 30 इसकी विस्कोसिटी तब होती है कि जब ये इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो और ये ऑयल गर्म हो जाए। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो उस वक्त ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो 92 to 98 डिग्री सेल्सियस होता है। 5W30 के बाद आ जाता है 10W30। ये मेरे पास कुछ अलग अलग ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10W30 का भी सेम है। 10 का मतलब है कि ये ऑयल की विस्कोसिटी है, और W से विंटर ही बनता है। 30 मतलब ये जब ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पर इंजन जब होगा तब इसकी विस्कोसिटी 30 हो जाएगी। अब मैं आप दोनों आप लोगों को इसमें फ़र्क बता देता हूँ कि 5W30 और 10W30 में क्या फ़र्क है। ये 5W30 और 10W30 5W30 और 10W30 में इतना मेजर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ में आ जाता है? फ़र्क कोल्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। ये जो W के साथ नंबर है, इस पर हमने ख़ास ख्याल रखना है इसका, क्योंकि ये गाड़ी जब ठंडी होती है, स्टार्ट करते हैं आप, तो ज़्यादा जो गाड़ी की वेयर एंड टेयर होती है वो उसी वक्त होती है जब आपकी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है। तो इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। जो W के साथ नंबर है, जितना ये कम होगा उतनी आपकी गाड़ी अच्छी स्टार्टिंग होगी आपकी गाड़ी की, और ये ऑयल लो टेम्परेचर पे फ्रीज भी नहीं होगी। अगर आप एक ऑयल लेते हैं कि 0W50, उसकी विस्कोसिटी 50 होती है, लेकिन वो ऑयल माइनस ज़ीरो से जितने भी कम टेम्परेचर हैं उन पर वो फ्रीज़ नहीं होगा। तो इन दोनों का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ कोल्ड स्टार्टिंग के लिए आ जाता है। इसकी विस्कोसिटी 5 होगी जब ये ऑयल ठंडा होगा, और इसकी 10 होगी। बाकी ये दोनों ऑयल, अगर कोई इस तरह से ऑयल ग्रेड चेंज करते हैं कि उसकी गाड़ी 5W30 ऑयल कंज्यूम कर रही है, बर्न कर रही है, तो अगर वो 10W30 पे चला जाए वो उसका हल नहीं है। उसकी गाड़ी फिर भी ऑयल कम करेगी, क्योंकि ये जो 30 नंबर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये दोनों ने सेम ही होना है। ये जब इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो ये दोनों ऑयल सेम है, 5W30 और 10W30, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क आ जाता है कोल्ड स्टार्टिंग में। कोल्ड स्टार्टिंग में ये जो 5W30 ऑयल है, 5W30 ज़्यादा बेहतर है 10W30 से। तो सिर्फ इसमें ये फ़र्क है, बाकी मेजर कोई फ़र्क नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों ये सेम। वो तो मैंने आपको बता दिया, सेम आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ग्रेड आप देख रहे हैं। 0W20, 530, 1030, उसके बाद 540 आ गए। 540 सेम उसी तरह ही है कि जो 5 है, ये दोनों ऑयल इस तरह से सेम है। ये 5W30 और 540 ऑयल इस तरह से सेम है कि जो इनका 5 है ये सेम है। मतलब कोल्ड स्टार्टिंग में ये जो दोनों ऑयल है ये एक जैसे होंगे। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या ठंडी होगी तो ये दोनों ऑयल एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब इंजन ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पर जाएगा तो ये 540 का ऑयल है, ये 530 से ज़्यादा थिक होगा, क्योंकि ये 40 है। पाकिस्तान में अक्सर लोग टेम्परेचर को इस तरह लेते हैं कि इस पे 5 लिखा है और यहाँ पे 40 है, तो वो ये समझते हैं कि 5 टेम्परेचर से लेके 40 टेम्परेचर तक ही ऑयल यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऑयल ग्रेडिंग इस तरह से नहीं की जाती। ये जो आप 0W20 से आप ऑयल देख रहे हैं, ये जो 0W20 है,
530 है, ये सारे ऑयल आप पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर हो आप यूज़ कर सकते हैं ये सारे ऑयल। 020 भी आप कराची में हो, कहीं भी हो, जितनी भी गर्मी हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लोग दुबई में भी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी दुबई में होती है और ये इजीली यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद 1040 आ जाते हैं। 540 और 1040 में कोई फ़र्क नहीं है, अगर कोई 540 यूज़ कर रहा है और उसकी गाड़ी ऑयल कम करी और वो 1040 पे शिफ्ट कर जाता है, उससे फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 40 जो है 540 और 1040 ये सेम है, तो आपकी गाड़ी उतना ही ऑयल कम करेगी जितना पहले कर रही थी, ये स्विच करने से कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाता है 550। ये जो 550 है ये मैं ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि मैं 2050 की जगह 550 यूज़ कर रहा हूँ या मैं 550 पे शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनकी नई गाड़ियाँ होती हैं जो कहते हैं कि 550 पे मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ, 550 ऑयल बहुत अच्छा है, थिन ऑयल है, लेकिन उनकी बात गलत है, ये थिन ऑयल है। लेकिन अब ये जो दो ऑयल हैं ये 530 और 550 ये दोनों सेम है, लेकिन कब सेम है, जब इंजन ठंडा है, ये ऑयल रूम टेम्परेचर पर है तब ये दोनों ऑयल सेम है, क्योंकि 5W और उस पर जो 5W लिखा हुआ है वो सेम है, तो मतलब जब इंजन ठंडा होगा इन दोनों की विस्कोसिटी सेम होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन एक बार जब ये इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर जाएगा तो ये वाला जो 550 ऑयल है ये 20W50 ऑयल के बराबर हो जाएगा, तो इसमें और 20W50 में इतना फ़र्क नहीं है, तो प्लीज़ ये ऑयल ना यूज़ किया करें। जिनकी गाड़ियों के लिए रिकमेंडेड है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी इस ऑयल को ना यूज़ करें, ये बहुत थिक ऑयल है, 2050 जैसा ही है। मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे थे कि परफॉर्मेंस डिफरेंस, एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि 530 और 020 की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। इन दोनों ऑयल में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड जिन गाड़ियों के लिए ये है, अगर आप उसमें ये वाला ऑयल डाल दें तो वो अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, पिक थोड़ी कम हो जाएगी, गाड़ी की साउंड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और गाड़ी की फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि 020 की नस्बत 530 ऑयल थिक होता है थोड़ा, क्योंकि 20 और 30 में फ़र्क है, क्योंकि 530 के साथ गाड़ी को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है तो फ्यूल एवरेज में इसलिए फ़र्क आता है। 0 और 5 से इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में अक्सर गाड़ी का टेम्परेचर काफ़ी जल्दी नॉर्मल पे चला जाता है, तो ऑयल 30 और 20 हो जाते हैं, तो आप वही यूज़ करें जो आपकी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है। अगर 530 है तो आप 530 यूज़ करें, 020 है तो 020 यूज़ करें। और इंजन ऑयल ग्रेड का माइलेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और बाहर के टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर के टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है, लेकिन किस तरह, आपने कोल्ड स्टार्टिंग का देखना है, कोल्ड स्टार्टिंग का 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कराची में रह रहे हैं तो आप 0 की जगह 10 का यूज़ करें, इस तरह नहीं है। आप कराची में रह रहे हैं आप 020 यूज़ कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा रहा है, फिर भी आपने यूज़ यही करना है, 020 करना है अगर ये रिकमेंडेड है। अगर ये रिकमेंडेड नहीं है, 530 है तो आप 530 करें। आपने ये नहीं देखना कि गर्मी बहुत है तो जी मैं 020 की जगह 1040 डाल लेता हूँ, वो बहुत अच्छा ऑयल है, गाड़ी का इंजन बच जाएगा, गर्मी है, थिक ऑयल है, थिक ऑयल अच्छी हेल्प करेगा, नहीं, थिक ऑयल इंजन को डैमेज कर देता है। लोग ऑयल ग्रेड का इस तरह भी कहते हैं कि ऑयल जब आप 020 यूज़ करें तो वो थिन ऑयल है, अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वो और भी थिन हो जाएगा इंजन में, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ये सारे मिथ हैं। आप अगर 020 यूज़ करें वो रिकमेंडेड है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, वो थिन नहीं होता हाई टेम्परेचर्स पर। तो गाइस इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब पार्ट वन में मैंने आपको ऑयल ग्रेडिंग का बताया, पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल और रिकमेंडेड ऑयल कौन सा है, और मैं उन गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तानी रोड्स पर हम देखते हैं, 660 cc लेकर 2500 cc या उससे हायर cc की गाड़ियों के, सब गाड़ियों के बारे में मैं बताऊंगा जितना मुझे पता है। पार्ट थ्री में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्रांड कौन सा वाला यूज़ करना है, कौन सा ब्रांड अच्छा है आपकी गाड़ी के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी डिटेल वीडियो आने वाली है, जो पार्ट्स बाकी आएंगे वो भी काफ़ी डिटेल होंगे, तो आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं इंजन ऑयल ग्रेड्स के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को लाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को ऑयल ग्रेड्स के बारे में नहीं पता उनको ऑयल ग्रेड्स के बारे में पता चल जाए और उनकी गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।